हेलो एवरीवन, केम छो? उम्मीद करता हूँ सब मजा में होंगे। मैं अमित एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं एरोंस के नए प्रोडक्ट के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है इंस्टॉल 100 Mark II। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं और एंडिंग में हम डेमो देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। यह है इंस्टॉल 100 Mark II का बैक पैनल, पावर ऑन ऑफ स्विच, पावर सॉकेट, स्पीक ऑन आउटपुट, माइक 1 और माइक 2 के लिए जैक इनपुट, लाइन इन इनपुट मोबाइल से इनपुट करने के लिए यूज़ होगा, या कोई भी सीडी प्लेयर मिक्सर से आरसी इनपुट दे सकते हैं। मिक्स आउटपुट ऐसे ही सेम सिस्टम को लूप करने के लिए यूज़ होगा। माइक वॉल्यूम नॉब, इको नॉब, ट्रबल नॉब, बेस नॉब, मेन वॉल्यूम नॉब। इससे ऊपर में जो है मल्टीमीडिया सेक्शन विद डिजिटल डिस्प्ले, इसमें एसडी कार्ड पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, मोड बटन, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, रिपीट बटन, प्ले एंड पॉज बटन। इस मल्टीमीडिया सेक्शन को कैसे यूज़ करना है और इस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, ये हम जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इंस्टॉल 100 Mark II को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे दिया गया है पावर सॉकेट। इस पावर सॉकेट में हम पावर कॉर्ड प्लग इन करेंगे। पावर कॉर्ड प्लग इन करने के बाद यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच से ये हम सिस्टम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइट ग्लो होगा, यहाँ पे डिस्प्ले भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। यह है स्पीक ऑन आउटपुट सॉकेट। इससे हम लोग कोई भी 80-90 वॉट तक कोई भी 8 ohms इम्पीडेंस का स्पीकर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन वायर से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कनेक्ट करें। यहाँ पे जो साइड में है APS 608, ये भी एरोंस का ही प्रोडक्ट है। ये 80 वॉट तक है और ये इसका जो इम्पीडेंस है ये 8 ohms तक है। तो हम लोग इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कुछ स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन वायर से। अभी हम जानते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। ये हम यहाँ पे वायर्ड माइक यूज़ कर रहे हैं और माइक 1 और माइक 2 पे P38 जैक इनपुट है। तो हम लोग यहाँ पे जैक इनपुट दे रहे हैं। जैक इनपुट देने के बाद माइक का आउटपुट आने के लिए आपको माइक वॉल्यूम नॉब ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। माइक वॉल्यूम नॉब ओपन करने के बाद हम लोग माइक टेस्ट करेंगे। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक 1 2, हेलो हेलो ही चेक। आवाज की टोनलिटी सेट करने के लिए आपको ट्रबल और बेस नॉब दिया गया है। आप आपके हिसाब से जो है वो सेट करेंगे। और फिर से एक बार मैं माइक आपको चेक करके दिखाता हूँ टोनलिटी सेट करके। हेलो चेक 1 2, हेलो हेलो ही चेक। वैसे ही सेम आपको माइक 2 में यूज होगा। दोनों का भी माइक वॉल्यूम जो रहेगा, माइक का जो यहाँ पे माइक वॉल्यूम नॉब है यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है आपका लाइन इन इनपुट। लाइन इन इनपुट में आप मोबाइल यूज कर सकते हैं या कोई भी सीडी प्लेयर से आप आरसी इनपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल डीजे कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऐसे कनेक्टर्स रहेंगे, ये रेड वाला जो है रेड पोर्ट में कनेक्ट करेंगे और ये जो व्हाइट वाला है वो हम लोग व्हाइट पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। और फिर जो ये कनेक्शन रहेगा ये हम लोग हमारे मोबाइल में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग सॉन्ग जो है वो प्ले करेंगे। सॉन्ग अभी प्ले हो चुका है। प्ले करने के बाद आपका जो मोबाइल का आउटपुट रहेगा, मतलब जो भी सॉन्ग आप लगाएंगे उसका मेन वॉल्यूम रहेगा वो यहाँ पे आपके वॉल्यूम नॉब पे रहेगा। तो आप आपके हिसाब से वो सेट करेंगे, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टोनलिटी सेट करता हूँ। कुछ इस तरह से आपको लाइन इन इनपुट यूज करना है। उसके बाद उसके साइड में ही है जो है मिक्स आउट। मिक्स आउट में आप कोई भी सेम सिस्टम लूप कर सकते हैं आरसीए टू आरसीए वायर से। आइए हम जानते हैं इंस्टॉल 100 Mark II का मल्टीमीडिया सेक्शन कैसे यूज करना है। मल्टीमीडिया सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल रहा है पहले एसडी कार्ड पोर्ट।
इस SD कार्ड पोर्ट में आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आपके कोई भी ट्रैक्स उसमें लोड कर रहेंगे आपने, तो आप इसमें डायरेक्टली SD कार्ड इंसर्ट करके आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद वो डायरेक्टली प्ले हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कंट्रोल जो रहेगा यहाँ पे मेन वॉल्यूम पे रहेगा। सेकेंड आपको मिल रहा है USB पोर्ट, इस USB पोर्ट में आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि पेन ड्राइव कैसे इंसर्ट करना है। ये हमने यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद वो डायरेक्टली फर्स्ट सॉन्ग जो रहेगा वो प्ले हो जाएगा। वो प्ले करने अभी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आउटपुट आने के लिए हमको ये मेन वॉल्यूम नॉब जो है वो ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। ये मेन वॉल्यूम ओपन करने के बाद जो आउटपुट आ जाएगा, ये ट्रबल और बेस से आप टोनलिटी सेट कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से जो टोनलिटी है वो सेट कर रहा हूँ। ये है नेक्स्ट बटन और ये है प्रीवियस बटन। इस नेक्स्ट बटन को प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। वो किस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये प्रीवियस बटन है, वो प्रेस करने से जो पिछला सॉन्ग रहेगा वो प्ले हो जाएगा। अभी नेक्स्ट बटन से सॉन्ग कैसे चेंज होगा ये हम आपको दिखाते हैं। ये हमने सॉन्ग चेंज कर दिया है। अभी मैं प्रीवियस सॉन्ग लगाना चाहता हूँ, मतलब को जो पिछले वाला जो सॉन्ग रहेगा वो प्ले करना चाहता हूँ। ऐसे हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को प्रेस करके सॉन्ग चेंज कर सकते हैं। ये है रिपीट बटन। ये रिपीट बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो आप जो गाना अभी जो चल रहा है, जैसे कि कोई गाना चल रहा है जो आपको वापस रिपीट सुनना है, तो रिपीट बटन हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे REPT मतलब रिपीट करके लिख के आएगा। तो सॉन्ग ख़त्म होने के बाद वही सॉन्ग दोबारा प्ले ज़रूर होगा। और यहाँ पे है प्ले और पॉज बटन। अगर हम लोग इसे एक बार प्रेस करेंगे तो जो गाना प्ले हो रहा है वो पॉज हो जाएगा, और दोबारा उसे चालू करने के लिए एक बार हम वापस उसको प्रेस करेंगे तो वो प्ले हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैं आपको प्ले पॉज करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक बार प्रेस कर दिया तो यहाँ पे पॉज करके लिख के आया, मतलब जो सॉन्ग अभी प्ले है वो पॉज हो चुका है। अभी मैं दोबारा प्ले करना चाहूँगा, मैं वापस एक बार इसे प्ले प्रेस करता हूँ। कुछ इस तरह से आपके जो ये चार बटन्स है वो जो है वो वर्क होंगे। अभी यहाँ पे हम फिलहाल के लिए जो ये USB मतलब कि जो पेन ड्राइव है हम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे है जो है ये मोड बटन है। इस मोड बटन को एक बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो ब्लूटूथ ऑप्शन रहेगा, मतलब कि जो ब्लूटूथ का फंक्शन है वो ब्लिंक होता रहेगा। वहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन ब्लिंक होने के बाद यहाँ पे हमको कोई भी मोबाइल या फिर ब्लूटूथ डिवाइस जो रहेगा उसमें ब्लूटूथ में जाके हमको जो है वहाँ का डिवाइस नेम सर्च करना है। अभी यहाँ पे PA सिस्टम करके लिख के आ रहा है, ये हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद यहाँ पे ऐसा दिखा देगा कनेक्टेड फॉर द मीडिया, मतलब कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसका ब्लूटूथ सिस्टम है उसी ब्लूटूथ सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे BT ऑन करके लिख के आएगा, मतलब कि आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन है वो हो चुका है। अभी हम मोबाइल से कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। सॉन्ग प्ले करने के बाद आउटपुट नहीं आ रहा है सॉन्ग का, तो सॉन्ग का आउटपुट आने के लिए आपको मेन वॉल्यूम नॉब जो है वो ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दूं ओपन करके। कुछ इस तरह से मल्टीमीडिया सेक्शन में ब्लूटूथ यूज हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।